बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि एक मुसलमान पर यह सबसे बड़ा एहसान है कि अगर उसे नमाज की तौफीक मिल जाए। तो हमारे बुजुर्गाने दीन नमाज की बड़ी कदर किया करते थे, उन्हें नमाज से बड़ी मोहब्बत है। जैसे ही मौका मिलता वो नमाज पढ़ना शुरू कर देते और हर हाल में अपनी पसंद को अल्लाह की खुशनुदी की खातिर कुर्बान कर देते। हज़रत मोहम्मद बिन सीरीन फरमाते हैं कि अगर मुझे जन्नत और दो रकत नमाज इन दोनों में से एक का इख्तियार मिले तो मैं दो रकतें इख्तियार करूँगा, इसलिए कि दो रकतों में अल्लाह ताला की रज़ा है और जन्नत में मेरी रज़ा है। तो सुबहान अल्लाह, अल्लाह के नेक बंदों की सोच कि किस कदर आला सोच है कि इन्हें दो रकत नमाज अदा करना जन्नत से भी ज़्यादा अजीज होता है। कि जन्नत में तो जाने का जी चाहता ही है, लेकिन जन्नत पर नमाज को इसलिए तरजीह दी जा रही है कि जन्नत अपनी पसंद है मगर नमाज में अल्लाह की रज़ा है। तो अल्लाह ताला हमें नमाज पढ़ने की सबको तौफीक अता फरमाए।